फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज ब्यूटी। सो आप सब लोगों को पता है जैसे कि विंटर आने वाली है एंड हम सभी को अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है क्योंकि हमारी स्किन है वो काफ़ी रूखी सूखी सी हो जाती है। सो हमें एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज मैं जिस मॉइस्चराइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे मैं यूज़ करती हूँ वो है निविया बॉडी मिल्क मॉइस्चराइज़र लोशन। ये बहुत बहुत अच्छा सा लोशन है। वैसे मोस्टली सब लोगों को पता होगा निविया जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं एंड मैं इसी हर अपनी सर्दियों में इसी लोशन का यूज़ करती हूँ। एंड जो लास्ट ईयर विंटर निकल के गए हैं उनमें भी मैंने इसी का यूज़ किया, तो एंड ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखती है एंड हमें बिल्कुल भी ड्राइनेस जैसा फील नहीं होता है अपनी स्किन पर। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एक बार निविया लोशन को ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये मेरा तो फेवरेट है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में इसे शेयर करूँ एंड आपके लिए ये यूज़फुल रहे। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये हमें एक डार्क ब्लू कलर में प्लास्टिक की बोतल में हमें मिल जाता है जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 75 ml, ये छोटा वाला है, इससे बड़ा वाला भी आता है। एंड इसकी क्वान्टिटी 75 ml है एंड इसका प्राइस है 75 rupees, जो इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो आप इसे एक बार बाय ज़रूर कीजिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। एंड पहले ही हमको 110 rupees में मिलता था जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन अभी इसकी प्राइस है वो थोड़ी कम हो गई, 75 rupees में आने लगा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आप इसे परचेज़ कीजिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जैसा आप लोग सोचो कोई मुझे निविया से कुछ मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ एंड मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपके साथ में इसे शेयर किया है। अगर आप लोग अभी विंटर के लिए अपनी स्किन के लिए अच्छी सी क्रीम ढूंढ रहे हो, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, सेंसिटिव हो, नॉर्मल टू ड्राई हो, ऑयली हो, कोई भी हो, तो फिर आप मेरे एक वीडियो देख सकती हो जो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाली हुई थी। बहुत अच्छी क्रीम है, आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड देन हम लोग बात कर लेते हैं इसके टेक्स्चर के बारे में। इसके टेक्स्चर की बात करें तो ये थिक भी नहीं है एंड ज़्यादा थिन भी नहीं है, नॉर्मल है, मीडियम है। काफ़ी अच्छे से आपको इसके आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब होने वाला है एंड आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करने वाला है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, मेरा तो ये फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। एज यू कैन सी आपको ऑयली जैसा भी बिल्कुल फील नहीं होने वाला है, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने वाला है। होप आप सब लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कीजिए लाइक एंड दीजिए अपना बहुत सारा प्यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।